रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। सिनेमा घरों में रिलीज से पहले एनिमल फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारों रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने भी शिरकत की। रणबीर कपूर ने एनिमल फिल्म की स्क्रीनिंग इवेंट पर ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लेजर कैरी किया था, तो वही रश्मिका मंदाना ब्राउन कलर की स्किन टाइट ड्रेस पहने नजर आईं। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के स्टाइल ने लाइमलाइट लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस इवेंट पर नीतू सिंह और आलिया भट्ट भी पति रणबीर कपूर को एनिमल की प्रिंट वाली शर्ट पहन कूल अंदाज में स्पोर्ट करती नजर आईं। रणबीर कपूर को सपोर्ट करने पूरा भट्ट परिवार पहुंचा। महेश भट्ट, पत्नी सोनी राजदान और बेटी शाहीन भट्ट के साथ पहुंचे थे। बॉबी देओल अपनी पत्नी और बेटे के साथ स्क्रीनिंग में पहुंचे। बॉबी देओल और उनकी फैमिली ऑल ब्लैक लुक में एनिमल की स्पेशल स्क्रीनिंग पर चार चांद लगाती नजर आईं। बॉबी की पत्नी तान्या देओल ने ब्लैक टॉप के साथ मैचिंग कोट पैंट पहन अपने बॉसी लुक से पूरे इवेंट की लाइमलाइट बटोर ली, तो वहीं एक्टर के बेटे ने भी अपनी चार्मिंग अंदाज से लाइमलाइट लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सनी देओल के बेटे करण देओल, जिनकी हाल ही में शादी हुई है, वह भी अपनी पत्नी के साथ एनिमल की स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे। करण ने जहां ग्रीन ब्लू शेड की शर्ट पहनी थी, तो वहीं उनकी पत्नी भी बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। फिल्म में खास रोल निभाने वाले शक्ति कपूर अकेले और सुरेश ओबेरॉय अपनी पत्नी और बेटी के साथ नजर आए। बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले ओरी अपने ही निराले अंदाज में सेल्फी लेते और वीडियो बनाते नजर आए, और ओरी अपने अनोखे अंदाज से इस इवेंट पर भी जलवे बिखेरते रहे।